नमस्कार भाइयों, अब केले की खेती के बाद में बारी आती है पपीते की। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का जो इन्होंने सोलर सेल पैनल लगाया है और पानी की कैसी व्यवस्था की है। बहुत ही बढ़िया है। ये पानी की जो व्यवस्था की गई है ड्रिप के माध्यम से की गई है, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं फिल्टर ट्यूबवेल के साथ में अटैच किया है। और सोलर पैनल जो है लगभग 3 HP पंप के लिए है। अगर बिजली नहीं भी रहेगी तो भी पानी की समुचित व्यवस्था है, जिससे आपका बिजली का खर्चा एक तो आता नहीं है और सोलर पैनल लगा देने से आपको बिजली की तकलीफ या परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ जो आपने ड्रिप के लिए इस्तेमाल करने के लिए पाइप और सिस्टम बिछाया हुआ है, इससे आपके सारे जो केले की फसल है वहाँ पर आप समुचित पानी देने की व्यवस्था कर सकेंगे। कोई भी फसल आप क्यों ना लगाएं, चाहे वो फल की हो चाहे वो अनाजों की हो, पानी की समुचित व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट किया जाए, पाइप की व्यवस्था हो, हर एक पौधे को जितनी जरूरत है उतना पानी मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मोटे मोटे पाइप ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर बोर किए हुए हैं, कई बोर्स लगे हुए हैं। यदि लाइट नहीं भी रहती है, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है, ये एक ग्रामीण इलाका है, बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत होती है यहाँ पर, तो उसके कारण यहाँ पर सोलर सेल लगाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पैनल लगा हुआ है सोलर सेल का। और जो ड्रिप सिस्टम है उसके लिए ये पाइप्स के बंडल ऑलरेडी आप देख रहे हैं और बहुत सारे हैं जो बिछे हुए हैं। तो इस तरह से हर एक पौधे पर, चाहे वो केले का हो चाहे वो पपीते का हो, सभी जितनी भी फसल लगी हुई है यहाँ पर, वहां हर एक पौधे को प्रॉपर पानी दिया जाता है ड्रिप सिस्टम के माध्यम से, जब तक वो पौधे छोटे रहते हैं और साथ ही बड़े होने के बावजूद भी।